पीएम नरेंद्र मोदी ने रोहतक में चुनावी सभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिख विरोधी दंगे के लिए कांग्रेस के छोटे बड़े नेता सभी जिम्मेदार हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस ने 70 साल तक देश पर राज किया और देश को कैसे चलाया, उनका दिमाग कैसे चलता है, उनकी खोपड़ी में अहंकार भरा है, ये केवल 3 शब्दों में उन्होंने खुद ही समेट दिया। अपनी सरकार का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 सालों में भारत ने जो कुछ हासिल किया उसका पूरा श्रेय आपके एक वोट को जाता है। ये आपके वोट की ताकत है। अगर आपने 2014 में दिल्ली में एक मजबूत और ईमानदार सरकार न बनाई होती तो इस कैसे संभव होता। पीएम मोदी ने हरियाणा के रोहतक में चुनावी सभा को संबोधित किया और खुद की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर यानी कि कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर सीधे तौर पर 70 साल में कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में अहंकार भरा है। राष्ट्र रक्षा के लिए हर पल तैयार रहने वाले, मिट्टी से सोना उगाकर देश का पेट भरने वाले, खेल के मैदान में भारत को गौरव दिलाने वाले हरियाणा के और रोहतक के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। धरती जो संस्कार देती है ऐसी पवित्र भूमि को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। इस धरती ने सर छोटू राम और सर भीम मंगल सेन जैसा नेतृत्व देश को दिया है। इन महान विभूतियों को और देश के लिए बलिदान देने वाले हर शहीद को मैं